सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो इस आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि बजाज कंपनी की तरफ से आने वाली है। सो गाइस, वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, बिकॉज छोटी सी वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और कट करके मत देखना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है 4 से 5 बाइक्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये जितनी भी बाइक्स हैं ये सारी जो है प्रीमियम बाइक्स हैं, मतलब जो है लगभग 1.50 लाख से ऊपर ऊपर आने वाली बाइक्स है। कुछ एक ऐसी बाइक है जो कि आपको अंडर 1 लाख देखने को मिल जाए, बट मोस्टली जो है प्रीमियम बाइक्स है, मतलब जो है हाइयर बजट में जो है आने वाली है। सो आज की वीडियो में सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो बाइक हमारी आती है वो आती है इस बजाज की तरफ से, पल्सर NS160 नेक्स्ट जनरेशन। ये जो है लॉन्च हो सकती है जुलाई मंथ के अंदर अंदर, मतलब जो है जून से जुलाई के बीच में लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। इसमें जो है क्या अपडेट होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो पूरा लुक्स है, मतलब एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन नाम क्यों दिया है, बिकॉज बाइक को जो है बिल्कुल ही नेक्स्ट स्टेज पे जो है बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे जो है बाइक को टोटली चेंज कर दिया जाएगा, मीन्स न्यू लुक, न्यू फीचर्स, सब कुछ न्यू। क्यों? बिकॉज जो ओल्ड NS160 थी वो जो है आउटडेटेड हो चुकी थी फीचर्स के मामले में भी, बट लुक्स जो है उसका हमेशा से बेस्ट रहा है और आज भी बेस्ट लगता है। मेरे को नहीं लगता था कि यहाँ पे जो है NS को बिल्कुल ही चेंज किया जाएगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा था, वो मेरे को लग रहा था कि इस बाइक में जो है नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे, ना कि नया लुक। लेकिन यहाँ पे जो है नया लुक्स ऐड कर दिया जाएगा। लुक्स की जो है कुछ फोटोज़ आप चेक कर सकते हैं, जो है कुछ फोटो इसकी वायरल हुई थी, कुछ लीक हुई थी, तो यहाँ पे जो है ये कुछ नया लुक इसका हो सकता है। उसके अलावा फीचर्स के बारे में बात करूँ, इस बाइक में जो अभी पहले से और ज़्यादा बड़ा डिस्क ब्रेक मिलेगा, सिंगल चैनल ABS मिलेगा। उसके अलावा जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन आपको मिलेगा, फ्रंट जो हेड है, फ्रंट जो लाइट है वो जो आपको LED में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो है इस नया टैंक डिज़ाइन, नया पूरा साइड डिज़ाइन, रियर डिज़ाइन, फ्रंट डिज़ाइन पूरा जो है नया। उसके अलावा जो आपको इसमें मीटर कंसोल मिलेगा, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा वो बिल्कुल न्यू शेप में, न्यू डिज़ाइन में, नए फीचर्स के साथ में। लाइक उसमें जो अभी शो करेगा माइलेज क्या दे रही है बाइक, रेंज क्या है। उसके अलावा जो है आपको कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स शायद मिले, बट कंफर्म मैं नहीं हूँ। सो ज़्यादा जो है आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम पे बाद में भारी पड़ जाती है। सो वो जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको बेसिक ही शायद आपको मिले, बट ये है कि आपको पूरा जो है डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। अभी जो एनालॉग मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा इस आपको बता दो, इस बाइक में जो है आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, LED टेल लाइट मिलेगी, LED हेडलाइट मिलेगी, वो पूरा जो है चेंज कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपको सिंगल सीट मिलेगी, पहले स्प्लिट सीट मिलती थी लेकिन अब जो है शायद आपको सिंगल सीट मिल सकती है। तो ये हुआ NS160 का अपडेट, ये जो कि आने वाली है आपके जून से जुलाई मंथ के बीच में। अभी चलते हैं गाइस सेकंड बाइक, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं NS160 के प्राइसिंग के बारे में। प्राइस जो है इस लगभग 5 से 10,000 बढ़ जाएगी इसके नए मॉडल की, बाकी लॉन्च पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लॉन्च यदि अपने चैनल पे देखना है तो सब्सक्राइब कर लो अभी से, बिकॉज यहाँ पे जो है हर लॉन्च के लाइव दिखती है आपके सामने। सो यहाँ पे जो है यदि कोई भी लाइव आपको देखना है तो वो जो है आपके लिए सबसे पहले MRD ब्लॉग्स पे देखने को मिलेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल का आइकन है उसको जो है ऑल पे जरूर कर लेना, बिकॉज यदि उसको ऑल पे नहीं करोगे तो आपको जो है पता नहीं चलेगा कब लाइव चल रही है और कब जो है एंड हो रही है। सो उसके लिए जो है ऑल पे जरूर कर लेना बेल के आइकन को। बाकी बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक जो हमारे पास आती है वो भी जो है पल्सर, मतलब चारों पांचों जो है पल्सर ही होने वाली है। उसके अलावा जो है कोई और बाइक यहाँ पे नहीं आएगी। सो जो नेक्स्ट बाइक है वो है इस पल्सर NS250। पल्सर NS250, NS160, NS200 जो है ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है, लेकिन अभी जो है एक 250 cc बाइक आएगी बजाज की तरफ से, जो कि लॉन्च हो सकती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। सो इसके लिए भी जो है आप वेट जरूर कर सकते हो। इसके फीचर्स के बारे में बात करूं, लुक्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मस्कुलर दिखेगी, ज़्यादा स्पोर्टी दिखेगी, ज़्यादा बेस्ट फीचर्स के साथ में आएगी। लाइक यहाँ पे जो है आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, जो कि NS200 में नहीं मिलता है। उसके अलावा जो फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको राइडिंग मोड्स वगैरह, मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह जो फीचर आपको मिलेगा, जो कि एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं और मिल भी जाएगा आपको, बिकॉज यहाँ पे जो है 250 cc बाइक है। सो ये जो है सब कुछ बेसिक जो है फीचर्स है जो कि आपको मिलने चाहिए, तो यहाँ पे जो है सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा जो है गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, रियर में जो है 140 सेक्शन का, तो यहाँ पे जो है काफ़ी वाइड आपको टायर्स भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम में जो है ड्यूअल चैनल ABS। सो कहने का मतलब है काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो है आपको सब कुछ नेक्स्ट लेवल ही देखने को मिलेगा। आपको पता है बजाज की बाइक जो है ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में आती है, एंड जब NS और RS लॉन्च हुई थी उस टाइम पे जो है कोई भी इन बाइक्स को टक्कर नहीं दे पाया था। ये जो आने वाले कुछ जो है 1 से 2 साल में ही
ये सब कुछ चेंज हुआ है, मतलब जो 1 से 2 साल लास्ट हैं उन्हीं में जो है ज़्यादातर इसकी मतलब जो है मार्केट पिटी है। उससे पहले जो है NS और RS की काफ़ी चीज़ सेल्स थी। सो बाकी ये भी जो है लॉन्च हो जाएगी काफ़ी जल्द। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1.60 to 1.70 lakhs होने वाली है। शोरूम ऑन रोड जो है लगभग 2 lakhs rupees तक जा सकती है। सो आप जो इसके लिए भी वेट कर सकते हो। बाकी चलिए बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड बाइक के बारे में बात करूँ तो थर्ड बाइक जो है हमारे पास आती है गाइस पल्सर NS125। NS125 जो है गाइस आने वाले कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक 1 month हाइएस्ट आप मान के चलो। फिर उसकी जो है डिटेल्स वगैरह लीक हो चुकी है और इंडियन मार्केट में जो है फिलहाल 125 cc में पल्सर काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है। सो ऐसे में जो है NS125 को लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे 125 cc का आपको सेम वही इंजन नहीं मिलेगा जो आपको पल्सर 125 में मिलता है। यहाँ पे जो आपको डिफरेंट इंजन मिलेगा जो कि पावर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा देगा उस 125 मॉडल से। तो यहाँ पे जो है इस NS125 को सेम NS160 वाले लुक्स में लॉन्च कर दिया जाएगा और ये जो है लॉन्च आने वाले 1 महीने में हो जाएगी और प्राइस जो है लगभग लगभग इसकी 1.20 lakhs तक ऑन रोड जाएगी। सो कहने का मतलब है आपको NS160 ही अब 125 cc के इंजन के साथ में देखने को मिलेगी। फीचर्स वगैरह सब कुछ वही सेम मिलेंगे। टायर साइज वगैरह जो है शायद आपको फ्रंट में 90 सेक्शन का और रियर में जो है आपको 120 सेक्शन का मिल जाए। बाकी जो है सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिलेगा। सो इस यहाँ पे जो है NS125 के लिए आप वेट कर सकते हो। एक बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है अंडर 1.20 lakhs। तो यहाँ पे जो है आप इसके लिए वेट जरूर करना। बाकी चलिए इस चलते हैं फोर्थ बाइक की तरफ। फोर्थ बाइक भी आती है पल्सर 200 नेक्स्ट जनरेशन। पल्सर NS200 भी जो है नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। इसका भी जो लुक्स है वो सेम NS160 जैसा ही होगा, जैसे मैंने आपको फोटोज़ दिखाई थी पहले। एंड अभी जो है फिर से आप फोटोज़ चेक कर सकते हो, यही सेम लुक्स जो आपको इसमें मिलेगा। इसमें फ़र्क क्या होगा, फीचर क्या होगा उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे भी जो है अभी आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, उसके अलावा जो है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको राइडिंग मोड्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है इस यहाँ पे आपको फ्रंट में UST सस्पेंशन की जगह जो है टेलीस्कोपिक ही मिलेंगे, बिकॉज ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते बजाज से और अभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ड्यूअल चैनल ABS, उसके अलावा जो है आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर, रियर में जो है 130 सेक्शन का टायर साइज जो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, उसमें जो है ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा जो है इस बाइक का जो शेप है, बाइक का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है बाइक का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा बेस्ट होने वाला है और ज़्यादा जो है मस्कुलर। तो यहाँ पे आप इस बाइक के लिए भी वेट कर सकते हैं। उसकी जो लॉन्चिंग है वो भी जो है लगभग जून से जुलाई के बीच में ही होने वाली है। कि जो इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो इस प्राइस जो है लगभग इसकी जाएगी 1.60 lakhs तक ऑन रोड, जो कि अभी मिलती है आपको 1.55 तक, लेकिन बाद में जो है आपको 1.60 तक इजीली देखने को मिलेगी, बिकॉज इतनी जो है प्राइस बढ़ेगी यदि बाइक को टोटली चेंज किया जाता है तो। बाकी चलिए इस बात करते भी लास्ट बाइक के बारे में। लास्ट बाइक हमारे पास आती है गाइस पल्सर RS 400। ये जो है एक फेयरिंग बाइक होने वाली है बजाज की तरफ से। जो RS 200 आ रही है उसी का जो है एक बिगर वेरिएंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो है जो RS 200 थी उसको जो है 400 cc के साथ में जो है लॉन्च किया जाएगा। जो 200 cc थी वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गई है, लेकिन अब जो है आपको इस RS 400 देखने को मिलेगी। लुक शो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन उसमें जो है कुछ चेंजेस किए जाएंगे। लाइक जब आपको हेलोजन लाइट मिलती थी, अब जो है आपको LED प्रोजेक्टर देखने मिलेंगे। उसके अलावा जो है फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको माइलेज, रेंज, राइडिंग मोड्स वगैरह ये सारे फीचर्स जो है इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर जो है बाइक काफ़ी मस्कुलर लुक्स के साथ में आएगी। सो इस बाइक में जो है फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर, रियर में जो है 150 या फिर जो 140 जो है हो सकता है, 150 जो है एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो है 140 सेक्शन का टायर मिल जाएगा एंड प्राइसिंग जो है बाइक की वो लगभग लगभग जाएगी 2.50 lakhs तक ऑन रोड, हाईएस्ट मान के चलो। बाकी जो है आपको ये एवरेज बोलूँ तो 2.30 से 2.40 के बीच में ही देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे जो है 400 cc बाइक के लिए ये प्राइस काफ़ी कम है और यहाँ पे जो है इस प्राइस में यदि आती है बाइक तो बाइक जो है इंडियन मार्केट में हिट कर सकती है। बाकी गाइस ये कुछ बाइक्स थी। RS 400 भी जो है आपके आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी, लाइक इस ईयर के जो है एंड तक। बाकी ये सीधे कुछ बाइक्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक बटन जरूर दबा देना। और आप सोच रहे हो कि ये जो है कुछ रूमर्स मैंने गलत दे दिए हैं तो इंस्टाग्राम पे आके बात कर लो, मैं आपको जो है अच्छे से पूरा प्रूफ वहाँ पे दे दूंगा। बाकी गाइस कोई भी डाउट्स हो इंस्टा पे मैसेज जरूर करना। नीचे जो है इंस्टा आईडी का लिंक दे दिया है, MRD व्लॉग्स के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। बाकी गाइस ये तो कुछ बाइक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।